फरमाता है इन तंसुरु लाहा यंसुर को वही सबित अकदाम को, यानी अगर तुम अल्लाह ताला की मदद करोगे तो परवरदिगार आलम आपकी मदद करेगा और आपको साबित कदम रखेगा और साबित कामयाब रहेंगे। तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने इस आवाज पे लबैक कहा और कर्बला के मैदान में ये साबित कर रहा किया कि इस्लाम की जिंदगी की खातिर, इस्लाम की हयात की खातिर मैं अपनी जान अजीज को आफरीन के हवाले कर दूंगा, न सिर्फ खुद बल्कि अहल अयाल सब मालो जायदाद जो मदीने की दौलत शाहनशाह मदीना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पूरी नबुव्वत और इमामत का इज्तिमा कर्बला के मैदान में जिसको आशूरा अरबी में कहते हैं और इज्तिमा किया कुर्बानियों का शहादत का और आखिर पर यह सदा दी हल बिन नासिर यंसुरा, क्या आप मेरी कोई मदद करेगा, हल बिन मुगैसिन युगैसिदी, क्या है कोई आवाज सुनने वाला जो मेरी आवाज को सुने, हल बिन नासिर यंसुरी, क्या है कोई मदद करने वाला जो मेरी मदद को आए सामने आए। तो अजीजों दोस्तों परवरदिगार आलम ने फरमाया था इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर मेरी मदद करोगे तो खुदा आपकी मदद करेगा भाई साबित अकदाम को। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस कर्बला के मैदान में तैपते रेगजार में नमरूद की फिरऊन की आतश अजीम में कूद कर यह साबित कर दिया कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की मदद कर रहा है। कैसे फरमाया इन कान दीन मोहम्मद जति लाम यस्तकिम इल्ला बिकतली क्या सयोब खुजीनी, ऐ तलवारों अगर मेरे कत्ल के बगैर मेरे जज अमजद मोहम्मद अरबी रसूल मुख्तार रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दीन मुबीन कायम नहीं रह सकता, क्या सयोब खुजीनी, ऐ तलवारों आओ हुसैन को पकड़ो, क्योंकि फरमाया अल मौत खैरुन मिन रुकूब अल आर, ये मौत बेहतरीन है जिल्लत की जिंदगी से, और फरमाया वल मौत वल आर खैरुन मिन दुखूल नार, और इससे बेहतर है कि अगर इंसान नार में चले जहन्नम में जाए उसे थोड़ी शर्मंदगी थोड़ी तवहीन बर्दाश्त है जो कर्बला के मैदान में अम्महातुल अइम्मा अम्महातुल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान उनकी बहु बेटियों का जो गुजर हुआ कर्बला के मैदान में जो कुछ हुआ वो नाम से फरमाते हैं अगर थोड़ी सी तवहीन होगी अगर शर्मंदगी होगी लेकिन वो कुछ नहीं है, उससे बेहतर है कि जहन्नम में चला जाए। परवरदिगार आलम के उस फरमान पे लबैक कहते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बस उसी की याद में आशूरा हुसैनी मनाया जा रहा है पूरे आलम में, यहाँ पर इंसान की बात नहीं कोई दिल में रखे या आंखों पे लाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था मन बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना, जो मेरे हुसैन पे रोए औ अबका या किसी को रुलाए औ तबाका या रोने की जैसी अलामत बनाए। इमाम खुमैनी फरमाते हैं मैं समझ चुका हूँ कि रसूल ने फरमाया जो मेरे हुसैन पे रोए वो तो ठीक है और फरमाया अब आपका जो किसी को रुलाए ये भी समझ में आता है, लेकिन इमाम खुमैनी फरमाते हैं अब तबाका जो रोने की हालत बनाए ये मेरी समझ में नहीं आया कि वजबत लहुल जन्ना उसके लिए भी जन्नत है। तो बस अंदाजा लगाना चाहिए कितने मजालिम कितने मसाइब थे इमाम हुसैन पर गुजरे और क्या मकासिद थे, मकासिद अजीम थे इस कायनात से बढ़कर इस अर्श अजीम से बढ़कर नहीं 25-40 मोहर्रम तक हर एक इंसान को यहाँ नियाज करते हैं, लेकिन जब उसको चावल नहीं होगा तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आपने जो वादा किया था हम एक्स्ट्रा कोटा देंगे आपको, ये एक्स्ट्रा कोटा हमें मिलना चाहिए क्योंकि हर एक को नियाज होता है।